लोगों का मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। बहुत इजी नाम है और सर्च करने पे एक ही बार में ये चैनल आ जाता है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल में क्लिक करें एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो ये देखो मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी बड़ी बेटी है, मैं हूँ और हस्बैंड बाइक चला रहे हैं, तो ये हम शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, इसलिए तीन जन बैठ गए। वैसे तीन को अलाउ नहीं है मेट्रो सिटी में। तो सुबह का टाइम है, ये 9:30 बजे का टाइम है। हस्बैंड अपने जॉब पे जा रहे हैं, तो रास्ते में हम माँ बेटी को ड्रॉप करते हुए वो चले जाएंगे। और अब देखना मैं कहाँ जा रही हूँ, इतनी परेशान रही ना रात भर, यहाँ मैं आई हूँ अपनी बेटी को लेकर। चैरिटेबल हॉस्पिटल है, दांतों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और चैरिटेबल है, मतलब कि दूसरे जगह से थोड़ा सा प्राइस हर चीज़ का यहाँ कम है और डॉक्टर भी बहुत एक्सपीरियंस और अच्छे हैं। ये है मेन गेट, तो अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे पर्ची बनती है। पर्ची बनवा के हम माँ बेटी यहाँ पे बैठ गए हैं। देखो मतलब इतने लोगों को दांत का प्रॉब्लम है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा भीड़ बहुत होती जाएगी, बहुत भीड़ होती है और बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर लोग हैं, बहुत पुराने डॉक्टर हैं यहाँ पे। तो मैं अभी तक ना 5-6 चक्कर तो मतलब अपने दांतों को लेके, बच्चों को दांत का प्रॉब्लम होता तब लेकर आ ही जाती हूँ। मेरे खुद के 2 दांतों का RCT हो रखा है, यहीं पर करवाई थी, 1 दांत का तो सर्जरी भी हो रखा है। तो क्या किया जाए, ये दांतों का प्रॉब्लम बहुत भयानक प्रॉब्लम है। भगवान किसी को ऐसा, किसी दुश्मन को भी ये दर्द ना दे, क्योंकि मैं फेस कर चुकी हूँ। इतना दर्द होता है ना, इतना दर्द ना कि मेडिसिन पेन किलर भी काम नहीं करता है। और इसीलिए मैं हमेशा जब से दांतों का प्रॉब्लम हुआ 2 टाइम ब्रश करती थी, अपने बच्चों को भी ब्रश करवाने लग गई 2 टाइम। पर ये मेरी बड़ी बेटी ना, बच्चे जब बड़े होने लगते आप सोचते हो कि बच्चा अपना काम खुद कर लेगा, पर ये बीच में अभी मैं 10-15 दिन बीमार जो रह गई, तो इसका रूल रेगुलेशन सारा ख़त्म हो गया और इसको इतनी परेशानी हो गई। इसके दांतों में थोड़ा सा कीड़ा लग गया था ना वो, तो इसने कुछ छेड़छाड़ कर दिया पीन वगैरह से, तो इतना दर्द रहा इसे रात भर कि इतनी दर्द में ये रही कि सोई नहीं। मैं भी परेशान रही इसके चक्कर में और घरेलू जितनी पाइयाँ, फिटकरी पानी और मतलब जो जो कर सकते थे कर ली। लास्ट में एक पेन किलर दी हूँ तो थोड़ा इसे आराम पड़ा, तब ये सोई थी। तो दूसरे दिन मैं आ गई हूँ, तो यहाँ डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं और लेकर आ गई। यहाँ पे रेट वगैरह लिखा हुआ है, क्या है मेटालिक सिरा में, पता नहीं क्या क्या जो जो होता है इनका दांतों का होता है, मतलब क्वालिटी के ऊपर होता है ना, जो फिक्स किया जाता है फिर मसाले भरे जाते हैं। तो ये मेरी बेटी का 2nd डे था, इसके बाद भी शायद 1 और 2 चक्कर लगेंगे मुझे इसे लेकर आना है, क्योंकि जब तक पेन रहता है वो पूरा फुल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो आज 2nd प्रोसेस हो रहा है इसे, RCT का 2nd डे था तो उसका हो गया। अब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल चुकी हूँ और हम माँ बेटी इस कच्चे रास्ते से जा रहे हैं। मेट्रो सिटी की सच्चाई दिखाऊंगी। आया ना बेटा, मज़ा आया इसको दर्द में, है ना। मम्मी की बात जो बच्चे नहीं मानेंगे उनका यही होगा, रात को ब्रश करना ये छोड़ी थी है। छोटे बच्चे मेरे वो दोनों ब्रश कर लेते हैं, पर ये इसे, मुझे तो लगता था ये करती होगी ब्रश, पर ये बारिश नहीं आ रही, आएगी तो क्या हुआ, भीग जाएंगे और क्या जाएंगे। देखो उधर पानी गिर गया, पानी में बूंद गई। देखो बात कैसे पलट रही है, बच्चे ना ऐसी होते हैं, दांतों में पेन इसके, परेशान मैं हूँ। रात भर ये नहीं सोई, दर्द में ये रही, नींद मेरी उड़ गई। तो बच्चों को हमेशा मम्मियों के बात मानना चाहिए, मम्मी पापा के, क्योंकि मम्मी पापा जो बोलते हैं बच्चों की भलाई के लिए ही बोलते हैं, है ना। है अभी फिर 1 चक्कर लगाना है। इतने आसान से ये दांतों का प्रॉब्लम ना इतना आसानी से ख़त्म नहीं होता, RCT में तो राउंड चक्कर लगाने ही पड़ता है। पंजाब में तो अगर चल लेंगे तो आंटी का घर आ जाएगा। अच्छा
तो हॉस्पिटल से निकल के हम इस कच्चे रास्ते पे जा रहे हैं। मतलब दूसरे साइड भी था, बहुत भीड़ भाड़, बहुत गाड़ियाँ होती है, तो हम इधर शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं हॉस्पिटल से सीधी निकल के। और देखो, 2-3 दिन पहले बारिश आई थी, तो उसके बाद जो हालत हो जाता है ये मेट्रो सिटी में, ऐसा हालत हो जाता है, मतलब इतना पानी, बड़े बड़े फ्लोर बने हुए हैं, घर है आगे पीछे सारा, पर ये सारा ऐसा कच्चा रास्ता है। देखो, गांव में भी मतलब ऐसा नहीं होता होगा, गांव में तो खेत वेत वाले जगह में होता होगा, यहाँ तो मेन जगह में जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पे ऐसा हाल है, और सब फेस करना पड़ता। लोग रह रहे हैं, गाड़ी वाड़ी घर के आगे लगी हुई है सबकी, उनको क्या है, गाड़ी से घर के पास उतरना, अंदर जाना, ये रोड से क्या मतलब। मतलब सही बोलते हैं, बस इलेक्शन का टाइम होता है तो थोड़ा बहुत कुछ काम करवा देते हैं। अभी भी बहुत कुछ ऐसा दिल्ली में, मेट्रो सिटी में ऐसा जगह बहुत कुछ है कि ये सारा मतलब रोड वगैरह नहीं बना है। ये तो बहुत बड़ा जगह है, मैं अपने एरिया, मेरे एरिया से ये एरिया आधे घंटे से ज़्यादा का रास्ता पड़ता है, हम रिक्शे में आते हैं तो ये तो बहुत बड़ा जगह है, वहाँ पे का ये हाल है। तो मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ तो बहुत जगह पे रोडें वगैरह बन गई है, मेरे वाली गली में इतनी नहीं बनी, इतना काम नहीं हुआ, लेकिन बहुत जगह ऐसा गांव की तरह छुटा हुआ है, मतलब काम ही नहीं हो रहा है, ऐसे गंदगी सबको फेस करना पड़ता, लोग इसी में जाते हैं। तो ये चल चल कर कच्चे रास्ते से मैं मेन रोड पर आ गई हूँ, यहाँ से हमें रोड क्रॉस करना है, और दो बड़े रोड क्रॉस करके उस साइड जाना है मुझे, और वहाँ से रिक्शा करना है। तो बहुत डर भी लगता है ना रोड क्रॉस करने में, और पूरा सुबह का टाइम, 10 बजे का टाइम है, 10:30, 11 बजे का टाइम है, वहाँ पे हमें 1 घंटा तो लग ही गया, और मतलब बहुत डर लगता है इतनी भीड़ भाड़ वाले रोड में ना, बहुत संभल के क्रॉस करना पड़ता है। बहुत साल मतलब हो गया मुझे ऐसे क्रॉस करते, 13 साल तो हो ही गया, 13 साल से दिल्ली में हूँ, तो फिर भी अभी भी डर लगता है बाहर निकलो ना, मजबूरी होती तो आना ही पड़ता है। तो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के मैं रोड क्रॉस कर ली, और रोड क्रॉस करने के इस साइड में रिक्शा लगा हुआ था, तो हम दोनों माँ बेटी रिक्शा में बैठ चुके हैं और घर की ओर जा रही हूँ। अभी फिर एक चक्कर तो लगना ही है, तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो प्लीज़ अप्रिशिएट करना मेरे दोस्तों, मेरे ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।